रामगंज मंडी की रेदास कॉलोनी का राजकीय प्राथमिक विद्यालय इन दिनों नशेड़ियों व गंजेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। नशेड़ियों से शिक्षक भी बुरी तरह से परेशान हैं। विद्यालय में बाउंड्री व मुख्य गेट नहीं होने से शाम होते ही स्कूल परिसर शराबी और नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और यहाँ छलकते हैं जाम और उड़ता है चरस गांजे का धुआं। शराब पीने के बाद कांच की बोतलों को भी स्कूल परिसर में ही फोड़ जाते हैं, जिससे चोटिल होने का खतरा बना रहता है। यही नहीं, नशेड़ी नशे में कक्षों के गेट आदि भी तोड़ देते हैं, जिससे शिक्षकों के साथ ग्रामीण भी परेशान है। रोज की तरह जब हम स्कूल आए 7:25 पे, मैं जब स्कूल आई तो मैंने देखा कि ये जो मेरे जहाँ पर बुक्स रखी होती है या थोड़ा वो सामान होता है विद्यालय का, ऑफिस के साइड वाला जो कमरा था उसका जो ये ताला तो लगा हुआ है, लेकिन उसको खोलने की कोशिश की हुई होगी तो वो कुंडी में से निकल रहा था। इतना गेप हो रहा था दरवाजे के बीच में, लेकिन अंदर जाके जब सर आए फिर हमने देखा तो नुकसान तो हमारा किसी प्रकार का नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बर्थडे मनाई होगी, पार्टी करी होगी, तो ये बर्थडे के केक के कागज़ वगैरह हो रहे हैं। बाउंड्री वाल भी नहीं है और ये मेन गेट भी नहीं होने की वजह से यहाँ बहुत सारे असामाजिक तत्व आते रहते हैं। सारी गंदगी फैलती है और बच्चा बच्ची के दिन में स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बहुत गंदी गंदगी मिलते हैं। सुबह पहली लोग बाग रात को आते हैं, इधर उधर बैठते हैं, कोई दारू पीने वाले आते हैं, कोई आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो यहाँ मेन गेट लगाओ, बाउंड्री करवाओ।